रुक करते हैं बिलासपुर का, जहां तालाब में डूबने से युवक की मौत का मामला सामने आया है। नहाने के दौरान गहराई में जाने से हुआ हादसा। तो बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता रहे हैं, जहां तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई है। नहाने के दौरान गहराई में जाने से ये पूरी घटना हुई है। बेसरी के तालाब में हुई घटना, तखतपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता रहे हैं, जहां तालाब में डूबने से युवक की मौत का मामला सामने आया है। तखतपुर थाना अंतर्गत तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। राजधानी बिलासपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। नहाने के दौरान गहराई में युवक चला गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। बेसरी के तालाब में ये घटना हुई है। तखतपुर थाना अंतर्गत ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक और बड़ी खबर बिलासपुर से ही, जहां सोशल मीडिया में अश्लील व अभद्र रील बनाने का मामला सामने आया है। जी हां, लगातार सोशल मीडिया पर अश्लील व अभद्र रील बनाने का मामला सामने आ रहा था। वहीं एक बार फिर से बिलासपुर से अश्लील व अभद्र रील बनाने का मामला सामने आया है, जहां रील बनाकर पोस्ट करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। फेसबुक व इंस्टाग्राम में करता था वीडियो वायरल। सरकंडा थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तो सरकंडा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर अश्लील व अभद्र वीडियो वायरल करने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि फेसबुक व इंस्टाग्राम में अश्लील व अभद्र वीडियो आरोपी वायरल किया करता था। अब इस पूरे मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरकंडा थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बढ़ते खबरों की ओर, जहां शक्ति के कलेक्टर कार्यालय परिसर मैदान में जिला स्तरीय राज्य स्थापना दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद कमलेश जांगिड़, कलेक्टर अमृत विकास तोपनो सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। जिला स्तरीय छात्र छात्राओं ने प्रस्तुतियों से समा बांध दिया, जिसके बाद सभी दर्शकों का मन मोह लिया। इस दौरान सांसद कमलेश जांगड़े ने कहा कि भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत संघर्षों के बाद छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कराया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में किसानों, युवाओं, महिलाओं, ग्रामीणों सहित सभी वर्ग के विकास के अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कार्य कर रही है। ग्वालियर में साउथ रेलवे बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जांजगीर चांपा से मिल रही बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको जांजगीर चांपा से बता रहे हैं, जहां आरा मिल में लगी भीषण आग। जी हां, जांजगीर चांपा के आरा मिल में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची दमकल की चार गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास करने में जुटी हुई हैं। आग की चपेट में आकर लाखों की इमारती लकड़ियां जलकर हुई खाक। बलौदा बाजार थाना क्षेत्र के बिलासपुर कोरबा रोड में स्थित है आरा मिल। बड़ी खबर आपको जांजगीर चांपा से बता रहे हैं, जहां आरा मिल में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। हालांकि दमकल की चार गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग बुझाने का काम लगातार किया जा रहा है। इस पूरी आगजनी में लाखों के कीमती लकड़ियों के जलने की आशंका जताई जा रही है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी होगी। बड़ौदा बाजार थाना क्षेत्र के बिलासपुर कोरबा रोड में स्थित है आरा मिल, जहां भीषण आगजनी की घटना सामने आई है। हालांकि दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। लगातार आग बुझाने का काम किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर गुरुकुल खेल मैदान में राज्योत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान दर्शक पारंपरिक वेशभूषा साथ ही वाद्य यंत्रों में लोक नृत्य और लोक गीत की जीवंत प्रस्तुति से भाव विभोर हुए, जहां एकता दौड़, क्रिकेट, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। वहीं विभिन्न विभागीय स्टॉलों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। आयोजनों में उपस्थित मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। खबरों के बीच रुक करते हैं, बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको न्यायधानी बिलासपुर से बता रहे हैं, जहां नाबालिग का वीडियो वायरल करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। जी हां, नाबालिग का वीडियो वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। इंस्टाग्राम में पीड़िता का वीडियो आरोपी ने अपलोड किया था। आरोपी के पास से दो नग मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। बता दें कि नाबालिग का वीडियो अपलोड करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान आईटी और पॉस्को एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। नाबालिग का वीडियो वायरल करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। पुलिस की बड़ी कार्रवाई आई सामने। बिल्हा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां नाबालिग का वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। न्यायधानी बिलासपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नाबालिग का वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इंस्टाग्राम में पीड़िता का वीडियो आरोपी ने अपलोड किया था। इसके साथ ही आरोपी के पास से दो नग मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। बिल्हा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद आईटी और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। खबर दोपहर में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार। वनशक्ति के वनांचल क्षेत्र ऋषभ तीर्थ में संचालित श्याम शिक्षा महाविद्यालय अपने विद्यार्थियों को नॉन अटेंडिंग क्लास की सुविधा देकर शिक्षा को व्यापार बना चुका है, क्योंकि इस महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने वाले अधिकतर छात्र छात्राएं नॉन अटेंडिंग क्लास की सुविधा लेते हैं, जिसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन छात्र छात्राओं को मोटी फीस भी वसूलता है। इस नॉन अटेंडिंग क्लास की सुविधा का खुलासा खुद महाविद्यालय के अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं ने किया। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग अगर इस महाविद्यालय की औचक निरीक्षण करे तो महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की अनुपस्थिति या नॉन अटेंडिंग क्लास के मामले में कई खुलासे भी हो सकते हैं। मैं प्रशिक्षण ले रहा हूँ, बीएड, मतलब मैं पढ़ाई करता हूँ बीएड का, और प्रशिक्षण है मेरा 14 तारीख से 19 नवंबर तक। किस स्कूल में प्रशिक्षण हो गया? ये प्रशिक्षण हो रहा है मोहगांव हाई स्कूल, मतलब प्राइमरी स्कूल। आगे प्राइमरी मिडिल में है। मिडिल में यहाँ कितने और लोगों की प्रशिक्षण आप बता सकते हैं? इसमें करीबन 7 से 8 होंगे सर। हम लोग कंफर्म नहीं देखे हैं, हम लोग को भेजा गया, हम लोग आ गए। सर, मेरा नाम रितु जायसवाल है, बीएड अंतिम वर्ष की छात्रा अध्यापिका हूँ। श्याम शिक्षा महाविद्यालय में अपना शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ। यहाँ प्रशिक्षण कब से प्राप्त करें और इस स्कूल का क्या है? इस स्कूल का नाम है शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय मोहगांव, और यहाँ मेरा प्रशिक्षण 14 अक्टूबर से 19 नवंबर तक का लगा है। सर, कितने लोगों का लगभग यहाँ प्रशिक्षण लगा है? सर, रेगुलर में हम लोग का 3 लोग का है, और नॉन रेगुलर में और हैं सर, उन लोग का लगा है। श्याम शिक्षा महाविद्यालय में डीएड, बीएड और एमएड 3 पाठ्यक्रम संचालित है। आप जो फाइनल ईयर के छात्र हैं, जिनको आप प्रशिक्षण पर भेज रहे हैं, वो प्रशिक्षण से अनुपस्थित पाए जा रहे हैं क्या? ये तो जिस क्षेत्र में हम महाविद्यालय चला रहे हैं, इस क्षेत्र में हम बच्चों के बहुत अपेक्षाएं नहीं कर सकते कि शहरों में बच्चे सब तरह उपस्थित दे सके, और खासकर भी वर्तमान में खेती किसानी का कार्य भी चल रहा है, कुछ बच्चे छुट्टी पे हैं और कुछ बच्चे अपने व्यक्तिगत कार्यों के आवेदन देके जाते हैं, तो ये ऐसी संभावना हो सकती है कुछ बच्चे न पहुंचे। छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन का बड़ा बयान सामने आया है। नगरपालिका के संशोधन अध्यादेश पर सवाल उठाने पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस डरी हुई है, भाजपा प्रत्यक्ष चुनाव कराना चाहती है, सीधे जनता के बीच जाना चाहती है। भाजपा डरती जो जनता के बीच क्यों जाना चाहती?
कांग्रेस ने छल कपट के साथ अप्रत्यक्ष चुनावी प्रणाली लागू की थी। भाजपा जो बोलती है करती है, कांग्रेस का काम केवल भ्रष्टाचार करना है। 5 साल तक कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस को अनर्गल बयानबाजी करने का शौक रहता है। कांग्रेस को पहले खुद अपने गिरबान में झांकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष चुनाव कराना चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी तो सीधा जनता के बीच में जाना चाहती है। अगर धरती तो क्यों जनता के बीच में जाती। कांग्रेस ने छल कपट के साथ में अपना महापौर बने, अध्यक्ष बने, इसके कारण से प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लागू किया था। और हम लोग प्रत्यक्ष चुनाव कराएंगे, जनता सीधा अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी वहीं कोरबा जिले से खबर है जहां मोरगा चौकी क्षेत्र के मदनपुर गांव के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों भिलाई से अंबिकापुर जा रहे थे, इसी दौरान तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इधर पुलिस जांच में जुट गई है। ये घटना तड़के सुबह 2:30 से 3 बजे की बताई जा रही है। अंकित जैन अपने साथी के साथ बलेनो कार में सवार हो गए थे, भिलाई से अंबिकापुर जा रहा था और वहीं मोरगा के पास खाई में गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जिनको 112 की मदद से यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपकरण लाया गया है। इसमें एक व्यक्ति की डेथ है, जो ड्राइवर उनकी डेथ हो गई है और उनका जो एक है जो साथ में था गाड़ी में उसको उपचार चल रहा है, गंभीर रूप से घायल है। बिलासपुर से खबर है जहां पुलिस ने नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अफीम की तस्करी करते एक युवक को गिरफ्तार किया जो ट्रक ट्रांसपोर्टिंग के जरिए अफीम की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 किलो अफीम सहित 60 लाख रुपए का माल बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि आरोपी गुमला से अफीम लेकर भुसावल महाराष्ट्र जा रहा था, इसी दौरान पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। राज्य विशेष शाखा से एक इनपुट प्राप्त हुई थी और एसपी साहब के निर्देश पर हम लोग एसटीसी बिलासपुर और थाना सीपत की टीम पाराघाट जो टोल प्लाजा है वहाँ मस्तूरी की टीम और एसटीसी की टीम ने टोल प्लाजा पाराघाट के पास रेड कार्रवाई की है, जिसमें एक महाराष्ट्र पासिंग की गाड़ी थी MH19GD7613 उसको रोक कर उसमें तलाशी ली गई, जहाँ हमको लगभग 2 kg अफीम बरामद हुआ है। वहाँ जो आरोपी वाहन चालक था नौनूर सिंह, उसको अरेस्ट किए हैं, उससे पूछताछ किए हैं, आज उसको न्यायिक रिमांड पे हम लोग भेजे। इधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें जहां नक्सलियों की साजिश नाकाम हुई है। सुरक्षा बलों ने 2 IED बरामद किए हैं। प्रेशर स्विच सिस्टम से आईडी लगाया गया था। जवानों ने मौके पर आईडी को डिफ्यूज किया। कोबरा सीआरपीएफ और बस्तरिया बटालियन की ये संयुक्त कार्रवाई है। उसूर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर एक बार फिर से पानी फिरता हुआ दिखाई दिया, जब सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से बड़ी घटना होने टल गई। 2 IED समय रहते डिफ्यूज कर दिए गए। बता दें कोबरा बटालियन सीआरपीएफ और बस्तर बटालियन की ये संयुक्त कार्रवाई है। कोबरा सीआरपीएफ और बस्तरिया बटालियन की संयुक्त कार्रवाई है। आईडी बरामद किए गए जिन्हें नक्सलियों ने प्लांट किया था। उसूर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। आईडी बरामद करने के बाद उसे सुरक्षा तरीके से डिफ्यूज भी कर दिया गया है।